Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are discussing about assets and indicators. Okay, now let us start. On the basis of their chemical properties, compounds can be classified into three groups. है ना? Chemical property के बेस पर हम compound को किसमें बार divide करते हैं? Compounds को compounds on the basis of chemical properties. ठीक है, on the basis of chemical properties compounds may be classified as three. First क्या है आपका? Three groups. First क्या है? Acid. ठीक है, एसिड्स. सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? बेसिस. एंड थर्ड वन इज सॉल्ट्स. ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. तो अब इसमें जो है हम सभी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं कि अब ये है तो एसिड्स होता क्या है, किसको कहते हैं हम एसिड्स. ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अभी, है ना. एसिड किसको कहते हैं? तो एसिड्स का क्या है, टेस्ट कैसा होगा? इट इज सोरेन टेस्ट. है ना, इसका टेस्ट कैसा होता है? सोरेन टेस्ट. ठीक है, उसके बाद ये क्या, अब ये कौन से इससे डिराइव हुआ? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. है ना, किससे हुआ है एसिड? डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. क्या है? एसिडस. है ना, इससे ये वर्ड ड्राइव हुआ है आपका. ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट बेसिकली आपका एसिड्स जो है वो क्या होते हैं? इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, किसको चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. अब यहाँ पे ये लिटमस है तो ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो सिर्फ मैंने आपको एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन दिया. ठीक है, कि एसिड्स का क्या है? एसिड्स आर सोरेन टेस्ट, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. है ना, एसिडस. ये इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, तो फॉर नेक्स्ट हम क्या आते हैं कि लिटमस क्या चीज होती है? तो इसके लिए हम आते हैं इंडिकेटर. है ना, इंडिकेटर होता क्या है? ठीक है, क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? इंडिकेटर. ठीक है, या हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी लिख सकते हैं. एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक है, हम इंडिकेटर किसको कहते हैं? इंडिकेटर क्या चीज होता है? इंडिकेटर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट एट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन. क्या किसको कहेंगे इंडिकेटर? सब्सटेंस. इसका आप लिख भी सकते हो, सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ presence of an acid or of an acid or base in a solution. मतलब indicator वो है जो कि किसी भी substance में कि substance acid है या base है, हमको कैसे पता चलेगा? हम बार बार तो उसको test नहीं कर सकते हैं. इसलिए वैसा substance जो कि हमको उसको डालने से हमको पता चल जाएगा कि color change होता है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये substance क्या है, acid है या base है. ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट एंड इंडिकेटर्स, जो कॉमन इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं एसिड्स और बेस के लिए, वो कौन कौन से कॉमन इंडिकेटर हैं आपके? वो है आपका लिटमस. ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिथाइल ऑरेंज, है ना, एंड फिनोफ्थलीन. ठीक है, ये तीन अब हमारे क्या हैं? बेसिकली तीन मतलब इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए हम इन तीन इंडिकेटर का यूज करते हैं. ठीक है,
तो इसमें एसिड्स जो हैं वो क्या था, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। सबसे फर्स्ट हम क्या करते देखते हैं, एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है ना, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, ये रेड लिटमस को ठीक इसका अपोजिट, रेड को किस में चेंज करता है, ये ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, ये बेस है। ठीक, अब इसी में हम आते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है ना, लिटमस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, है ना। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, लिटमस सॉल्यूशन इज द नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है लिटमस सॉल्यूशन, इट इज अ, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है आपका। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्या है, इट इज पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, है ना। ये एक तरह का क्या, इट इज पर्पल डाई। ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है, इट इज एक्स्ट्रा पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, है ना, यह ठीक है, लाइकेंस। ठीक है, और इसके अलावा अदर एग्जांपल भी हम, जैसे ये सब क्या, ये नेचुरल इंडिकेटर है ना, लिटमस सॉल्यूशन जो है ये क्या, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एग्जांपल भी हैं हमारे, है ना, अदर एग्जांपल में क्या आता है, जैसे आपका पर्पल कैबेज। ठीक है, क्या आता है, पर्पल कैबेज आ गया आपका। ठीक है, पर्पल कैबेज, कलर्ड पेटल्स ऑफ, कलर्ड पेटल्स ऑफ पिट्यूनिया, है ना, पिट्यूनिया, टर्मरिक, है ना, ये सब क्या है आपका, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद, है ना, तो ये सब क्या है आपके, नेचुरल इंडिकेटर है। फिर हम आते हैं कि ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर किसको कहते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर किसको कहते हैं, शोज ऑर्डर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है ना, क्या शोज करता है, शोज ऑर्डर, मतलब इसके स्मेल से हमको पता चलता है। ठीक है, ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ओनियन है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, ओनियन एंड क्लोव। ठीक है ना, तो इससे हमको ये पता चल जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, है ना। और ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या हो गया आपका, कि जो कि आपको मतलब स्मेल के थ्रू जो है हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ओनियन लेते हैं, क्लोव लेते हैं, फिर वैनिला एक्सट्रैक्ट है, ये भी आप लेकर के कर सकते हो। ठीक है, तो रेड जैसे इसके इसके पहले मैंने बताया आपको कि पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, पर्पल कैबेज जो है वो ऑब्टेंड होता है कैबेज लीव से, ये भी क्या एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। कलर्ड पेटल्स हो गए, है ना, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक है, ये भी, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हो गए। अब इसमें जो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है, जी एसिडिक और बेसिक मीडियम शो करता है। ठीक है, ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, है ना, हम इसका एग्जांपल दूसरा वैनिला एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है
कि ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है कि इसमें बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बेकार स्मेल आती है। तो जब ये बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनियन ओनियन की स्मेल, जैसे ओनियन को हमने एक कपड़े में वो कर दिया है, अब उस कपड़े को हमने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो हमको जब डालने के बाद उस कपड़े की स्मेल अगर हम लेते हैं तो वो स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कि उसमें ओनियन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपको बेस इंडिकेट कर रहा है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो वो क्या कर देता है, वो ऑनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। समझ में आया आपको कि ओनियन के लिए हम क्या करते हैं, ओनियन का जैसे ओनियन काटा हमने, उसका जूस निकाला, जूस निकाल के एक कपड़े के ऊपर उसका जूस का कपड़े को उससे पूरा गीला कर लिया, ठीक है, उसके जूस से। अब उस कपड़े को हम क्या करते हैं, एक बार हम उसको क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में डालेंगे, ठीक है। पहले हम किस में डालते हैं उसको, बेसिक मीडियम में डालते हैं। बेसिक मीडियम में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो उसमें डालते हैं। डालने के साथ ही उसके बाद जब हम उसका कपड़े का स्मेल लेते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि उसमें ऑनियन का स्मेल ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी बेसिक मीडियम का। लेकिन वही अगर हम एसिडिक मीडियम ले लेते हैं और क्योंकि कपड़े को हम एचसीएल में डुबा देते हैं और उसके बाद उसमें हम करके करते हैं, तो एचसीएल क्या करता है कि ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है ना, हमको स्मेल आता ही आता है। तो ये आपका इंडिकेटर हो गया एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। उसी तरह से वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी हम कर सकते हैं। वेनिला एक्सट्रैक्ट आपको मालूम है कि उसका प्लेजेंट स्मेल होता है, ठीक है, तो ये भी क्या, बेसिक सॉल्यूशन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो हम इसको इसके स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट में डालोगे तो आप पता नहीं कर पाओगे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस एक्सट्रैक्ट की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये तो वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसी इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, है ना। तो इस तरह से करके मतलब क्या यूज कर सकते हैं। अब इसमें है कि यह हमेशा याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस के लिए क्या करते हैं हम, ब्लू लिटमस रेड करता है, किसके लिए यूज होता है, ऊपर भी मैंने बताया था एसिड के लिए, ठीक है ना। रेड लिटमस क्या ये करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, ये किसके लिए यूज होता है, बेस के लिए यूज होता है ना। टर्मरिक जो है, ठीक है, टर्मरिक क्या करता है, ये एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। और अगर ये बेस में अगर हम डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। आपने अगर कपड़े में हल्दी लगी है और आप साबुन उस पे लगा देंगे तो आप देखोगे क्या उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई मिथाइल ऑरेंज अगर हम लेते हैं, ये क्या है, इंडिकेटर है ना, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, ठीक है, इसको हम लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड अगर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि बेस है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, येल्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिनोफ्थलीन अगर लेते हैं, ठीक है, फिनोफ्थलीन अगर लेते हैं तो एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। और उसके बेस में इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, बेस में कैसा कलर आ जाएगा, बेस में इसका कलर क्या आता है, पिंक आता है, तो ये इंडिया है ना, पिंक आता है। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, कौन सा सॉल्यूशन क्या है, किसमें ये डालने से अगर इसका कलर चेंज हो रहा है तो वो एसिड है या बेस है, कैसा कलर आया, येलो आता है तो बेस, अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन यूज करते हैं, तो इस तरह से करके हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।